नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरू करी हेडलाइन से। व्यवस्था बदल तो मानसिकता नहीं बदलल मुख्यमंत्री राउत के उपराग। प्रदेश सरकारक निर्णय सीडीओ नहीं मान रहल कहित आक्रोश। बर्दिया हिरासते में राम मनोहर यादव के मृत्यु भेल घटना के जांच कर सांसद सभक मांग। रेशम चौधरी के शपथ ग्रहण कराव दबाव। विद्यालय कर्मचारी संयुक्त आंदोलन परिचालन समिति से आंदोलनक घोषणा। सरकार उचित सुविधा नहीं देने उपराग। धनसा में हथियार सहित एक गोटे पकड़ायल, एक पिस्तौल बरामद। आ मौलिक हक अंतर्गत के सब विधेयक आसीन दू गते भीतर संसद से पास भजेबाक सभामुख महरा के दावी। आब समाचार विस्तार से। प्रदेश नंबर दू के मुख्यमंत्री मोहम्मद लाल बाबू राव देश में व्यवस्था बदलतो मानसिकता बदल नहीं सकल उबराग व्यक्त कले। पोखरा में आय भेल मुख्यमंत्री सभक जमघट के संबोधन करित प्रदेश नंबर दू के मुख्यमंत्री राउत प्रदेश नहीं चाहतो धोखा से जन्मल बच्चा जका संघ्यता रहल टिप्पणी कलने। व्यवस्था आ पात्र बदलतो प्रवृत्ति नहीं बदलल वहीना रहल हुनक कहब। कर्मचारी समेत नहीं रहला के कारण सरकार काज कर नहीं सक रहल हुनक उपराग। प्रदेश सरकार से छुट्टी दिलो पर संघ नहीं मान रहल कहित मुख्यमंत्री राउत विरोध जनौने। प्रदेश सरकारक छुट्टी नहीं मानला पर ओकर जिम्मा संघीय सरकार लेत कि संघीय सरकारक छोटा साजक सीडीओ साहब लेत कहकर वो आक्रोश व्यक्त कने। जिला प्रशासन कार्यालय आ राष्ट्र बैंक प्रदेश से देने छुट्टी किया नहीं मानत प्रश्न करित हो। देश में सीडीओ के दम्भ आ दादागिरी एखनो रहल दावी कलन। राउत अपन प्रदेश के पुलिस आ प्रशासन नहीं होब धरि सरकार चलाब दिक्कत हेबाक समेत धारणा रखने। कार्यक्रम में प्रदेश नंबर 4 के मुख्यमंत्री पृथ्वी सुब्बा गुरुंग, कर्मचारी व्यवस्थापन, प्रदेश पुलिस, प्रदेश लोक सेवा, प्रदेश अनुसंधान ब्यूरो के व्यवस्थापन सहितक विषय में तत्काल निकास खोजब आवश्यक रहल धारणा रखने। सम्मेलन में बजने 5 गोटे मुख्यमंत्री सब संघीय सरकार प्रति असंतुष्टि व्यक्त कने। मुदा प्रदेश नंबर 5 के मुख्यमंत्री शंकर पोखरेल संघीय सरकार के बचाव कने। पोखरेल एखने अधिकार नहीं भेटल कहकर कहनाय जल्दबाजी हेबाक धारणा रखने। नेपाली कांग्रेस जनकपुर धाम नगर समिति उपमहानगरपालिका संघ के वार्ता सकारात्मक भेल विज्ञप्ति मार्फत जनौलक। उपमहानगरपालिका कर वृद्धि कने विरोध में ज्ञापन पत्र बुझौने कांग्रेस जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका संघ बीतल मंगल दिन। नेपाली कांग्रेस जनकपुर के उपमहानगरपालिका बीतल मंगल दिन वार्ता में आब पत्र लिखने छल। बुध दिन उपमहानगरपालिका में भेल वार्ता सकारात्मक भेल आ फेर से भादो 25 गते वार्ता में बुझबाक सहमति भेल। कांग्रेस जनकपुर धाम नगर समितिक सभापति मनोज शाह द्वारा जारी विज्ञप्ति में उल्लेख है। उपमहानगरपालिकाक मेयर लाल किशोर शाह के सन्निधित्व में भेल वार्ता सकारात्मक रहल, दुनू पक्ष स्वीकार समेत कलक। नेपाली कांग्रेस के दिशा नगर सभापति मनोज कुमार शाह, किशोरी शाह, जनकपुर उद्योग वाणिज्य संघक पूर्व अध्यक्ष निर्मल कुमार चौधरी लगातक सहभागी छलनि। तहिना जनकपुर उपमहानगरपालिकाक दिशा प्रमुख शाह के संगे उपमेयर रीता कुमारी झा, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत उमेश ढुंगाना आ कर शाखा प्रमुख परमेश झा लगायत सब सहभागी छलनि। नेपाली कांग्रेस सहित मधेश केन्द्रित दल सब बर्दिया में हिरासत में राम मनोहर यादव के मृत्यु भेल घटना के जांच कर मांग कलक। प्रतिनिधि सभा के उचका बैसार में सांसद उमाकांत चौधरी दू तिहाई के बल में सरकार संविधान विरोधी काम करित निरंकुश तौर तरीका से आगा बढ़ रहा आरोप लगौलन। ओ नागरिक के वाक स्वतंत्रता के संविधान से प्रत्याभूति कैल गेलो पर सरकार वाक स्वतंत्रता कुंठित करित बर्दिया में मंत्री के कारी झंडा देखा वाला राम मनोहर यादव के पकड़ कर रखबा काज कने आ हिरासत में मृत्यु भेल बतौलन। ओ ई घटनाक न्यायिक समिति गठन कर निष्पक्ष जांच कर दोषी पर कड़ा कार्यवाही कर सरकार संग मांग कने छलन। ओ घटनाक विषय में सदन के जानकारी कराब सेहो संबंधित मंत्री के ध्यानाकर्षण करौने छलन। कुंठित करने दुष्प्रयास गरेको छ। भर्खरै हालै बर्दियामा सरकारका उप प्रधानमन्त्री उपेन्द्र यादवलाई कालो झण्डा देखाउन पुगेका राम मनोहर यादवलाई संविधानको विपरीत स्वेच्छाचारी ढङ्गले प्रशासनको बलमा निजलाई पक्राउ गरियो, थुनियो र थुनाभित्रै निजको मृत्यु भयो। यो यसरी हेर्दा सरकारले चाहिँ नि उसको क्रियाकलाप दिलाते आई है।
कि सांसद में निर्वाचित रेशम चौधरी जी को शपथ ग्रहण कराया जाए। अदालत में जो विषय विचाराधीन है उसके संदर्भ में पार्टी को कुछ नहीं कहना है, क्योंकि हम विधि के शासन को मानते हैं। तहना सांसद अनिल कुमार झा रेशम चौधरी के शपथ ग्रहण कराब मांग कने छलन। सांसद उमा रेग्मी महिला सभक महान पावनि ऋषि पंचमी के छुट्टी कटौती कने कहित छुट्टी कायम कर सरकार संग मांग कने छलन। ओ आयल निगम कर्मचारी के बोनस वितरण क के जनता के लिए ईंधन के मोल वृद्धि कैल गेल कहित ईंधन आ गैस में बढ़ल मोल फिरता लेब सरकार के ध्यान आकर्षण करौने छलन। आय के विचार अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा संबंधी विधेयक 2075 के दफावार परामर्श के लिए संबंधित समिति में भेजलक अछि। तहिना बैसार में सर्वोच्च अदालत महान्यायाधिवक्ता आ न्याय परिषद तहिना न्याय सेवा आयोग के आर्थिक वर्ष 2073-74 के वार्षिक प्रतिवेदन पेश कलक। सांसद लोकन समसामयिक विषय में सरकारक गंभीर ध्यान आकर्षण करबैत जनता प्रति जिम्मेवार बना आग्रह कलक। प्रतिनिधि सभा के उसका बैसार में शून्य समय में सांसद लोकन अपन अपन क्षेत्र के क्षेत्रगत आ समसामयिक विषय में सरकारक ध्यान आकर्षण करौने छलन। अधिकांश सांसद लोकन मूल वृद्धि प्रति सरकार के ध्यान आकर्षण करबैत बाजार के प्रभावकारी अनुगमन कैल जेबाक में जोर देने छलन। सांसद मीन बहादुर विश्वकर्मा हत्या हिंसा बलात्कार सहित घटना में सरकार हैट्रिक कने कहित पेट्रोलियम पदार्थ में कैल गेल मूल वृद्धि फिरता कर सरकार के ध्यान आकर्षण करौने छल। सांसद डॉक्टर मीनेन्द्र रिजाल बिमस्टेक के शिखर सम्मेलन में सदस्य राष्ट्र बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास करबाक सहमति नहीं भेल कहित आयल प्रधानमंत्री के भारत में होबय वाला सैन्य अभ्यास में सेना के नहीं भेजत चेतावनी देने। सांसद रंगमती शाही प्रधानमंत्री सांसद से उठाओल गेल प्रश्न में गैर जिम्मेवार ढंग से उत्तर दैत आयल कहित विरोध जनौने छलन। सांसद राम कुमार झांकड़ी पावनि सब लक्षिया गेल लगले बाजार में गुणस्तर कम भेल समान तथा अस्वाभाविक मोल वृद्धि होइत आयल कहित प्रभावकारी बाजार अनुगमन कर सरकार के ध्यान आकर्षण करौने छलन। राष्ट्रीय पुनर्निर्माण प्राधिकरण निर्देशक समिति निजी आवास पुनर्निर्माण के काम स्थानीय तह के देबाक निर्णय कलक। प्रधानमंत्री एवं प्राधिकरण के निर्देशक समिति के अध्यक्ष के पी शर्मा ओली के अध्यक्षता में आई सिंहदरबार में बैसल विशाल निजी आवास पुनर्निर्माणक काज स्थानीय तह के देबाक निर्णय कलक। प्राधिकरण जिला तह के पुनर्निर्माण संबंधी निकाय अनुगमन करित निजी आवास पुनर्निर्माण के काज स्थानीय तह के देबाक निर्णय कैल गेल। प्राधिकरण के प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील गेवाली जानकारी दिलन। तहिना विशाल भूमिहीन लाभग्राही के सेहो स्थानीय तह में तोकने स्थान आ मापदंड के आधार में अनुदान सहायता उपलब्ध करेबाक निर्णय समेत कलक। स्थानीय तह तोकने मापदंड आ प्राधिकरण के संबंधित जिला समन्वय समिति से सिफारिश कैल गेल आधार में भूमिहीन लाभग्राही सबके सेहो पुनर्निर्माण के लिए अनुदान के व्यवस्था करबाक सेहो निर्णय कैल गेल। प्राधिकरण के प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गेवाली बतौलन। जनप्रतिनिधिको बहाली भइसकेको अवस्थालाई विचार गरिकन हामीले निजी आवास पुनर्निर्माणसँग सम्बन्धित कामलाई स्थानीय तहबाटै चाहिँ अगाडि बढाउने ढङ्गले त्यसको प्रमाणीकरण गर्ने निरीक्षण गर्ने लगायतको कामहरू गर्ने र जिल्ला तहबाट त्यसको अनुमोदन मात्रै गर्ने ढङ्गले चाहिँ लैजाने कुरा धेरै गरेका छौँ। त्यस्तै गरी यो भूमिहीन लाभग्राहीहरूको लागि जसको घर छैन उहाँहरूको लागि चाहिँ स्थानीय तहबाटै प्रमाणित गरेर त्यसको आधारमा त्यस जिल्ला समन्वय समितिद्वारा त्यसको सिफारिस गर्ने गरी त्यसको आधारमा चाहिँ भूमिहीन चाहिँ सुकुम्बासी परिवारहरूलाई पनि घर निर्माणका निम्ति अनुदान सहयोग उपलब्ध गराउने खाल पनि चाहिँ हामीले निर्णय गरेका छौँ। त्यस्तै गरी आगा यो आर्थिक वर्षभित्रैमा विशेष गरेर सहरी क्षेत्र परम्परागत बस्ती वा एकीकृत बस्ती वा बस्ती स्थानान्तरण बाहेकका सबै लाभग्राहीहरूलाई तेस्रो किस्ताको सबै रकमहरू उपलब्ध गराउने गरी त्यो खालको लक्ष्य पनि निर्धारण गरिएको छ र त्यही अनुसार कामहरू अगाडि बढाउने खालको निर्णय भएको छ। प्राधिकरण निर्देशक समितिको बैसार चालू आर्थिक वर्षभित्र परम्परागत बस्ती सहर बस्ती सहरी बस्ती जोखिमयुक्त बस्ती बाहेक सब लाभग्राहीके तेसर किस्ताक अनुदान सहायता सेहो उपलब्ध करेबाक लक्ष्य निर्धारण कयलक अछि। बैसारमे समितिके अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओली पुनर्निर्माणक काजके तीव्रता दैत वित्तीय व्यवस्थापनके काजके सेहो चुस्त बनाबय प्राधिकरणके प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गेवालीके निर्देशन देने छलथि। बैसारमे प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गेवाली प्राधिकरणके एखन धरिके काम कार्यवाही आ भावी योजनाक विषयमे प्रधानमन्त्री एवं प्राधिकरणके निर्देशक समितिके अध्यक्ष ओलीके जानकारी कराने छलथि। प्राधिकरण अगिलका दू वर्षभित्र पुनर्निर्माण सम्बन्धी काज सब काज सम्पन्न करबाक योजनाक साथ कामके आगाँ बढ़ौलक अछि। चालू आर्थिक वर्षभित्र निजी आवास पुनर्निर्माणके काज सम्पन्न करबाक लक्ष्य लेल गेल। प्राधिकरणके प्रमुख कार्यकारी अधिकृत
गेवाली धारणा राख्ने छले। विद्यालय कर्मचारी संयुक्त आंदोलन परिचालन समिति सरकार संग उचित सुविधा के मांग करित आंदोलन के कार्यक्रम घोषणा कलक। समिति आई काठमांडू में पत्रकार सम्मेलन कर सरकार संग उचित सुविधा के मांग करित आंदोलन के कार्यक्रम समेत घोषणा कलक। सर्वोच्च अदालत देने आदेश अनुसार सरकार से न्यूनतम सुविधा नहीं दिल गया के बाद बाध्य भ आंदोलन के कार्यक्रम घोषणा कर पड़ल। समिति के सह संयोजक रतन बहादुर सिंह बतौलन। सर्वोच्च अदालत को सामुदायिक विद्यालय में कार्यरत कर्मचारी को भविष्य अन्योल र अनिश्चित हुन नदिन तिनीहर को सेवा शर्त सुविधा उल्लेख भएको सर्विस ल बनाई कार्यान्वयन गर्नु भन्ने समेत को मिति 2067/10/23 को फैसला र पूर्व आदेश को 6 महीना भित्र पूर्ण कार्यान्वयन गर्नु भन्ने समेत को मिति 2071/5/12 को फैसला सरकारले कार्यान्वयन नगरेको साथै शिक्षा ऐन 8 संशोधन दफा 16 ठ मा भएको कर्मचारी सम्बन्धी व्यवस्था समेत कार्यान्वयन नगरी दरबन्दी समायोजन पदस्थापन आन्तरिक प्रतियोगिता तलब भत्ता सञ्चय कोष महँगी भत्ता पोशाक भत्ता निवृत्तिभरण उपदान औषधि उपचार बिमा विदा ट्रेड युनियन अधिकार लगायतका यावत विषयमा लामो समयदेखि विद्यालय कर्मचारीलाई चरम सरम शोषण र दमनमा पारिएको फैसला कार्यान्वयनका लागि पटक पटक अनुरोध गर्दा पनि सुनवाई नभएकोले बाध्य भई हामीहरू आन्दोलनमा उत्रिनु परेकोले निम्न मागहरू सहित आन्दोलनका कार्यक्रमहरू घोषणा गरिएको जानकारी गराउँदै सहयोग अघिल्का भादो 31 गते से शुरू होवला 7 दिन के आंदोलन के कार्यक्रम अंतर्गत विद्यालय के ताला चाबी बुझेबाक आवश्यक सुविधा उपलब्ध कराब संबंधित जिला प्रशासन कार्यालय शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई में ज्ञापन पत्र बुझेबाक प्रधानमंत्री निवास बलवाटार घेराव करवाक सहित कार्यक्रम है। सर्वोच्च अदालत 5 वर्ष पहिने सेवा कानून बनाकर विद्यालय के कर्मचारी सबके उचित सुविधा के व्यवस्था कर आदेश दिलो पर कार्यान्वयन नहीं भेला के बाद सरकार विरुद्ध आंदोलन कर बाध्य होब पड़ल समिति के दावी छे। अपन न्यूज में किछु देर व्यावसायिक विश्राम। विश्रामक बाद धनसा में हथियार सहित एक गोटे पकड़ायल एकटा पिस्तौल बरामद। मौलिक हक अंतर्गत के सब विधेयक आसीन 2 गते भीतर संसद से पास भजेबाक सभामुख महारा के दावी। उपभोक्ता संरक्षण कानून संशोधन आयोगीकरण कर बनल विधेयक पर उपभोक्ता हित संरक्षण मंच के विरोध। पुनः स्वागत है सब न्यूज में आप बनने बाकी समाचार। भादो 1 गते से लागू भेल मुलुकी अपराध संहिता ऐन में अपना सबके अपराधी बनाओल गेल कहित नेपाल चिकित्सक संघ आंदोलन में रहल अछि। प्रदर्शन के संगे ओपीडी आ प्रशासनिक सेवा ठप्प कऽ चुकल संघ भादो 25 गते भीतर ऐन संशोधन प्रक्रिया अगाड़ी नहीं बढ़ाओल गेल पर सशक्त आंदोलन में उतरबाक कहित सरकार के अल्टीमेटम देने अछि। एक रिपोर्ट। राणा कालक मुलुकी ऐन परिवर्तन कऽ नेपाल में नया मुलुकी ऐन आनल गेल छै। जाहि में से एक छै मुलुकी अपराध संहिता ऐन। ई ऐन विशेष कऽ समाज में अनुशासन कायम करबाक हेतु आनल गेल छै। केओ अपन सीमा आ अनुशासन नहीं तोड़े तेकर उद्देश्य से ई ऐन आनल गेल छै। ई कोनो विषयगत ऐन नहीं भ सब विषय के समेट कऽ आनल गेल संहिता अछि। ओना हरेक विषय आ पेशा के व्यवस्थित करबाक हेतु अलग अलग ऐन सेहो आनबाक क्रम जारी अछि। एम्हर मुलुकी अपराध संहिता ऐन लागू भेला लगले विभिन्न पक्ष अपन हित में नहीं रहल आ अपना सब पर अन्याय भेल कहित विरोध में उतरल अछि। जाहि में से एक छै चिकित्सक सब ई ऐन अपना सब के अपराधी बनेबाक आ चिकित्सा जेहन मर्यादित पेशा के बदनाम करबाक उद्देश्य से आनल गेल आरोप लगाइब रहल छै। तपाईको भनौं न परिभाषित लापरवाहीलाई समस्या समाधान गर्न थाल्यो भने हाम्रो जुन आय स्रोत छ यसले भ्याउँदैन। अमेरिका जस्तो देशहरुमा इन्सुरेन्स सिस्टम हुन्छ, सबै इन्भेस्टिगेसनहरु गर्नलाई केही फरक छैन, तर हाम्रो देशमा यो किसिमको हाम्रो आर्थिक स्थितिले भ्याउँदैन। त्यसले गर्दा पनि यहाँको चिकित्सकहरूले कतिपय कुरो कम्प्रोमाइज गरेर थोरै खर्च गराउँ भन्ने नियत राखेर उपचारमा लाग्नु भएको छ। यो लाग्दा लाग्दै जुन राज्यले एउटा भनौँ न राम्ररी गरिरहेको अवस्थामा भनौँ एउटा जिस्काउने भन्छु मैले त जुन काम भएको छ यो एकदम निन्दनीय कार्य हो। यो कामलाई जसरी हुन्छ सबैको सहयोगले यसलाई सहज तरिकाले निकास निकाल्न जरुरी छ भन्ने हाम्रो मान्यता छ। विरोध स्वरूप ओ सब भादो 17 गते देश भरक ओपीडी सेवा बंद क प्रदर्शन में उतरल छल। तहिना भादो 18 गते अस्पताल सब में प्रशासनिक काज बंद कयल गेल छल।
ओसब इलाजक क्रम में डॉक्टरक लापरवाही से बीमारक मृत्यु भेला पर वा अंग भंग भेला पर 5 वर्ष धरि कैद आ 50,000 रुपया धरि जरिमाना सहितक व्यवस्था के संशोधनक मांग करैत आबि रहल छै। ओ सब इलाज में संलग्न चिकित्सक से भूल भेल वा नहीं भेल विषय में अध्ययन कर अलगे समिति गठन कैल जेबाक सेहो मांग कयने अछि। उसले बनाउँदा उनीहरूको लागि चाहिँ त्यो के भन्छ त्यो भएको हो या होइन भन्ने छानबिन कमिटीको व्यवस्था गरेको छ। तर हाम्रो हकमा चाहिँ हाम्रैबाट हेल्थ चक्र आई लापरवाही जे जे वाट एभर नेम छ त्यो कुराहरूमा हामीले त के माग्यो जे कुरा त माग्यो जुन चिज अरूहरूलाई छ त्यही चिज हामीलाई त त्यो भने अब त्यो ठुलो कुरा त भएन नि। त्यो कुरा माग्दाखेरि चाहिँ अब यत्रो ठुलो कुरा भयो एउटा, त्यस कारणले यो नाजायज माग छ जस्तो मलाई लाग्दैन। दोस्रो कुरा के हो भनेदेखि अघि अध्यक्षज्यूले भनिसक्नु भएको छ, सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा कसरीदेखि हेरिरहेको छ अहिलेको आन्दोलनलाई भनेदेखि यो चाहिँ चिकित्सकहरूको आन्दोलन हो र चिकित्सकहरूले आफ्नो लागि आन्दोलन गरिरहेको छ अथवा लापरवाही गर्न पाउँ भनेर आन्दोलन गरिरहेको छ अथवा हेलचक्राई गर्न पाउँ भनेर आन्दोलन गरिरहेको छ भनेर। वास्तवमा हामीले हेलचक्राई गर्न पाउँ लापरवाही गर्न पाउँ भन्ने हिसाबले यो आन्दोलन गरेकै होइन। एउटा त सिम्पल जसरी वकिललाई प्रहरीलाई अरूलाई त्यो इन्भेस्टिगेसन टिम राखे जस्तो हाम्रो इन्भेस्टिगेसन टिम एउटा हामीलाई पनि हुनुपर्छ किनभने वकिल अथवा प्रहरी चाहिँ यसको विशेषज्ञ होइनन्। विषयगत विशेषज्ञ टोलीबाट छानबिन भएर दोषी भएपछि अनि हाम्रो पनि कारवाही दोष अनि त्यस पछाडि सजाय गरिस् दोषी ठहरेकोमा नो प्रब्लम भन्ने कुरा हाम्रो के छ। ऐनमे ऐनक दफा 230 मे इलाज सम्बन्धी कसुर शीर्षकमे एहन व्यवस्था कयल गेल छै। ई दफा में इजाजत प्राप्त नहीं केने व्यक्ति से इलाज नहीं कैल जेबाक कहल गेल छै। एहि में लिखल छै चिकित्सा संबंधी विषय में निर्धारित शैक्षिक योग्यता प्राप्त केला बाद कानून बमोजिम अधिकार प्राप्त अधिकारी से इलाज करबाक लेल इजाजत प्राप्त केने व्यक्ति बाहिक केओ ककरो चिकित्सा सेवा देब, ककरो मानव शरीरक कोनो अंगक चीरफाड़ करब, कोनो प्रकारक दवाई खियाब वा खाय सिफारिश कर वा आओर कोनो प्रकार से इलाज नहीं कैल जेबाक चाही। दफा 230 में इजाजत प्राप्त व्यक्ति मात्र इलाज कह सकवा कहल गेल छै। मुदा इहे दफा के उप दफा 2 अनुभवी व्यक्ति के छोट छीन इलाज कर में रोक नहीं लगाओल गेल कहने छै। एहि में लिखल छै उप दफा 1 में कोनो बात लिखलो पर लंबा अनुभव से इलाज संबंध में जानकारी राखा वाला व्यक्ति उचित होशियारी अपना कर छोट छीन रोग लागल बीमार के मानव अंग के कोनो खास प्रतिकूल असर नहीं पाड़ा वाला मामूली प्रकृति के दवाई खियाब वा छोट छीन घाव घोस चीर फाड़ कर इलाज कर में बाधा नहीं कैल जाए। अनुभवी के छोट छीन इलाज में छूट छै, मुदा इजाजत प्राप्त नहीं केने व्यक्ति से कोनो किस्मक इलाज कैल गेला पर कार्रवाई की व्यवस्था कैल गेल छै। एहन कसूर करय वाला आ कराव वाला के 3 वर्ष धरि कैद आ 3,000 रुपया धरि जरिमाना के व्यवस्था कैल गेल छै। ओतबे नहीं जान गेला पर जन्म कैदक व्यवस्था धरि कैल गेल छै। उपदफा 4 में लिखल छै चिकित्सा सेवा दैत काल चीरफाड़ करैत काल वा दवाई खियौला से ककरो जान गेला पर कसूरदार के जन्म कैद हैत आ अंग भंग भेला पर 15 वर्ष धरि कैद हैत। इजाजत प्राप्त व्यक्ति के सेहो कार्रवाई। ई ऐन लापरवाही कैला पर इजाजत प्राप्त व्यक्ति के सेहो कार्रवाई के व्यवस्था कयने अछि। ई ऐनक दफा 232 में एहन व्यवस्था कयल गेल छै। एहि में लिखल छै कानून बमोजिम इलाज करा पावला व्यक्ति से ककरो इलाज करैत काल पर्याप्त होशियारी वा सावधानी नहीं अपना कर लापरवाही आ हेल चकराई कर इलाज कर दवाई खा देव वा खा सिफारिश कर वा चीरफाड़ नहीं कर कहने अछि। लापरवाही से कोनो घटना भेला पर इजाजत प्राप्त स्वास्थ्यकर्मी के कार्रवाई के भागीदार बनाओल गेल छै। इहे दफा के उपदफा 2 में लिखल छै ककरो जान गेला पर वा अंग भंग भेला पर लापरवाही पूर्ण काज कैल गेला से जान गेला पर वा अंग भंग भेला पर 5 वर्ष धरि कैद आ 50,000 रुपया धरि जरिमाना आ हेल चकराई कैला से मृत्यु भेला पर वा अंग भंग भेला पर 3 वर्ष धरि कैद आ 30,000 रुपया धरि जरिमाना हेबाक लिखल अछि। मुलुकी अपराध संहिता ऐन में राखल गेल इहे व्यवस्था सबके संशोधन कर मांग चिकित्सक सब कह रहल अछि। चिकित्सकक मांग की मुलुकी संहिता अंतर्गत रहल कसूर संबंध में किछ व्यवस्था के संशोधन कैल जेबाक चिकित्सक सभक मांग अछि। ऐनक दफा नंबर 230 में रहल उप दफा 2 के खारिजी, दफा नंबर 231 के सेहो खारिजी, दफा नंबर 232 में रहल लापरवाही वा हेल चकराई
बदनियत चिताक नहि करबाक शब्द के पुष्टि कर विशेषज्ञ समिति बनाक जांच कैल जेबाक बात राखल जेबाक सेहो मांग कैल गेल छै। तहिना क्षतिपूर्ति तिराओल जेबाक बात रहल दफा 239 के खारिजी बीमारक जान गेला पर कहियो निवेदन द सकबाक व्यवस्था रहल दफा 240 के खारिज के सेहो मांग कैल गेल छै। ओतबे ने ड्यूटी में रहल स्वास्थ्यकर्मी के हाथ पात केला पर कार्रवाई संबंधी व्यवस्था कैल गेल। स्वास्थ्य संस्था के सुरक्षा संबंधी ऐन 2066 के सेहो संशोधन के मांग चिकित्सक सब कयने अछि। भादो 25 गते धरक अल्टीमेटम। भादो 17-18 गते आंदोलन केने चिकित्सक सब सरकार के मांग संबोधनक प्रक्रिया शुरू कर 25 गते धरक अल्टीमेटम देने अछि। स्वास्थ्य राज्य मंत्री डॉक्टर सुरेंद्र कुमार यादव आ चिकित्सक सब बीचक वार्ता में राज्य मंत्री यादव संशोधन प्रक्रिया आगा बढ़ेबाक आश्वासन देला बाद चिकित्सक सब किछ दिनक लेल आंदोलन स्थगित कयने अछि। ओ सब 25 गते धरि सरकार सब प्रक्रिया शुरू नहि कयल गेला पर 26 गते सँ फेर ओपीडी बाहे के सेवा बंद कऽ आंदोलन में उतरबाक चेतावनी देने अछि। अपन टेलीविजनक लेल अजय शाह शिवाली। नेपाल पत्रकार महासंघ पत्रकार सबके फौजदारी अभियोग लगेबाक नया मुलुकी एन प्रावधान तत्काल नहि हटाओल गेला पर सरकार विरुद्ध कड़ा आंदोलन में जाय बाध्य होयबाक चेतावनी देलक अछि। नेपाल पत्रकार महासंघक अध्यक्ष गोविंद आचार्य संयुक्त राष्ट्र संघक घोषणा पत्र आ संविधानक प्रतिकूल नया मुलुकी एन में पत्रकार सबके जेल सजाय देबाक सहित 100 से बेसी प्रावधान राखल गेला सँ ओहि के सुधार अपना सब सँ सरकार के दबाव देबय पड़ल बतौलनि। काठमांडू में भेल कार्यक्रम में ओ पत्रकार गलती केला पर क्षतिपूर्ति देबाक कानूनी व्यवस्था केला पर विमति नहीं रहल से हो बतौलनि। जुनसुकै राष्ट्र संघको घोषणा पत्र में व्यवस्था गरिएको नेपालले चाहिँ हस्ताक्षर गरेको मानवाधिकार विश्वव्यापी घोषणा पत्र कई बरखिलाफमा यो छ। त्यसै गरी संविधानमा भएका प्रावधान भन्दा थप लामो लिस्ट बनाइएको छ। संविधानमा भएका प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा भन्दा पनि थप वाक्यहरू थपेर यो ऐन आएको छ। त्यसैले यसलाई सच्याइनु पर्छ भन्ने हाम्रो आग्रह हो। अपराध हुने ज्यान मारेको जस्तै अपराध हुने र सरकारवादी मुद्दा हुने व्यवस्था अनुसूची 4 अनुसारको बनाएको छ, कतिपयमा कतिपय अनुसूची 1 अनुसार बनाएको छ। त्यस्ता खालका थुप्रै व्यवस्था गरेको हुनाले यसमा हाम्रो सबभन्दा गम्भीर आपत्ति छ। किनभने पत्रकारहरूले लेखेर गर्ने गल्ती भनेको ठिक छ, कमजोरी हो, त्यसलाई जरिमाना गरौँ। त्यहाँ चाहिँ क्षति पुगेको छ भने क्षतिपूर्ति पनि तिराउँ, त्यसको लागि पनि पत्रकारहरू तयार छन्। तर चाहिँ यहाँ चाहिँ जेलै हाल्ने, त्यसपछि आएर अझ प्रहरीले पक्रेरै लाने, सरकारवादी मुद्दा बनाउने, फौजदारी कसर मान्ने भन्ने कुरा जुन लेखिएको छ यो तत्काल सच्याउनु पर्छ भन्ने पत्रकार उभिएजनालाई पनि सम्भवत गोविन्द आचार्य महासंघ पत्रकार सबके जेल सजाय देबाक प्रावधान सहितक नया मुलुकी एन नागरिक अधिकार के समेत छिनबाक दावी करैत ओहि के सुधार सरकार आ संबंधित निकाय के आग्रह करैत आबि रहल अछि। कार्यक्रम में नेपाल बार एसोसिएशनक अध्यक्ष शेर बहादुर केसिया, प्रेस काउंसिल नेपालक पूर्व अध्यक्ष एवं वरिष्ठ अधिवक्ता बोर्ण बहादुर कार्की, संविधानक समेत प्रतिकूल पत्रकार सबके सजाय देबाक कानूनी व्यवस्था सहित आयल नया मुलुकी एन संशोधन कर सरकार के ध्यान आकर्षण करौने छलनि। प्रतिनिधि सभाक सभामुख कृष्ण बहादुर महरा नया मुलुकी एन संशोधन कयल जेबाक मांग के संबंध में कानून मंत्री संग विशेष परामर्श कर नेपाल पत्रकार महासंघ के आग्रह कयने छ। सभामुख महरा नेपाल पत्रकार महासंघक पदाधिकारी सब संगे आई भेल भेट में नया कानूनी एन संशोधन के लेल कानून न्याय तथा संसदीय मामला मंत्री भानुभक्त ढकाल संग विशेष परामर्श कर आग्रह कयने छ। ओ संसद से पास भ चुकल कानून संशोधन करबाक काम मंत्री ढकाल के भेल दावी कयने छ। ओहि अवसर में नेपाल पत्रकार महासंघ नया मुलुकी एन में कतेको प्रावधान प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतंत्रता प्रतिकूल इलासा संशोधनक लेल प्रयास क देब आग्रह करैत सभामुख महरा के ज्ञापन पत्र बुझौने छल। सभामुख महरा कानून मंत्री ढकाल चाहला पर मात्र कानून संशोधन कयल जा सकबाक धारणा रखने छलनि। म चाहिँ अहिले बस्नु मन्त्री कन्भिन्स हुने जो विषयमा संशोधन हालिया छ त्यो विषयमा छलफल हुन्छ, संशोधनमा आएर विषय सामान्य हुँदैछ। तर मन्त्री कन्भिन्स भएपछि कन्टेन्टमै ऐनै फेरिन्छ। तर मैले स्मरण म सञ्चार मन्त्री हुँदाखेरि सूचनाको विधेयक हुन्थ्यो नि, यो म कन्टेन्टली काम गरेँ, संशोधनमा आएर विषय पनि स्वीकार गरेँ, त्यो चाहिँ परम्परा छ। त्यस कारण मन्त्री कन्भिन्स हुने हो भने जसले पेस गर्ने हो त्यो मन्त्री कन्भिन्स भयो भने
कन्टेन्ट पनि चेन्ज हुन्छ र होल कानुन चेन्ज हुन्छ। त्यस कारणले सम्बन्धित पेस गर्ने संसदको कामपत्र पनि छलफल गराएर पास गर्ने हो, तर पेस गर्ने मन्त्रीहरू हुन्छ, सरकार हुन्छ। त्यस कारण तपाईँले यसपटक सम्बन्धित मन्त्रीलाई अलिक बढी भेटेर छलफल गर्ने ज्ञापन मात्र बुझ्नु मात्र बुझ्नुभन्दा अलिक छलफल गरेर केही विषयमा चाहिँ उहाँ तयार हुनु त्यही तयार हुनु सबै कुरा सजिलो हुन्छ। नेपाल पत्रकार महासंघ नयाँ मुलुकी ऐनमे पत्रकार सबके गंभीर अभियोग लगेबाक प्रावधान राखल गेल कहे तत्काल संशोधन कर सरकार के दबाव दैत आयल अछि। धनुषा में हथियार सहित एक गोटे पकड़ायल अछि। महतरी मठिहानी वार्ड नंबर 2 घरभ जनकपुर उपमहानगरपालिका वार्ड नंबर 1 में रहित आयल 36 वर्षक सुनील मुखिया के पुलिस हथियार सहित पकड़लक अछि। पुलिस ओकरा सब संग एक थान पिस्तौल आ 2 थाल मैगजीन सेहो बरामद कयलक अछि। वृद्धजनक व्यक्ति हतियार जस्तो देखिने लिएर डरराज धम्की देखाइरहेको छ, मान्छेलाई त्रासको वातावरण बनाइरहेको छ भन्ने खबर आएको थियो। त्यसपछि हामीले विशेष सुरागको परिचालन गरेर मान्छे कहाँ बस्छ, के हो, त्यो खालको कुरो हो कि होइन भन्ने पहिला हामीले कन्फर्म गऱ्यौँ। कन्फर्म गरिसकेपछि पछि हामीले त्यसको बारेमा बुझ्दै जाँदा हो जस्तो लागिसकेपछि हामीले सर्च गर्दाखेरि निजे बसेको घर ठेगानाबाट नै एक थान पिस्तोल र 2 म्यागजिन चाहिँ फेला परेको चाहिँ सुरक्षित थियो। उसको नाम चाहिँ सुनिल सहनी हो र उसको स्थायी ठेगाना चाहिँ जिल्ला महोत्तरी मटियानी नगरपालिका 2 धिरापुर भन्ने ठाउँमा रहेको भनेर बताइएको छ भने उहाँले चाहिँ वकिल महल्लामा वकिल टोल जिल्लो त्यो हाम्रो जनकपुर उपमहानगरपालिका वार्ड नम्बर 1 वकिल टोल पक्राल मुखिया उपर अनुसन्धान भर रहल छ। सभामुख कृष्ण बहादुर महला मौलिक हक अन्तर्गत के सब विधेयक आसिन 2 भित्र संसद से पास भजेबाक बतौलने सिंहदरबार में आई पत्रकार सम्मेलन के सभामुख महला निर्धारित समय भित्रे सब दल संगे के सहमति में विधेयक सब अबाक बतौलने प्रतिनिधि सभा दिस के विधेयक वर्तमान अवस्था विषय में जानकारी देते ओ मौलिक हक अन्तर्गत के आवश्यक 10 विधेयक सब आसिन 2 भित्रे संसद से पारित करबाक बतौलन। कतेको विधेयक समिति में परामर्श के अवस्था में रहल आ किछ के आइए प्रतिनिधि सभा संबंधित समिति में भेजबाक कहित ओ निर्धारित समय में सब विधेयक अयबाक दावी कयलनि। ओ मौलिक हक संग संबंधित विधेयक सबके प्राथमिकता के साथ एक हफ्ता भीतर निष्कर्ष लगाब समिति सभापति सबके निर्देशन द चुकल समेत जानकारी कराने छलनि। प्रधानमंत्री निवास में मौलिक हक संग संबंधित विधेयक एकदम बड़ी में समय एक हफ्ता भित्र टुंग्याउनुस्। एक हप्ता तो काम त कम्तीमा चाहिन्छ, अरू बुर पछि गरे पनि हुन्छ, तर मौलिक हक हाम्रो 2 सिद्धाइसक्नुपर्ने भावनाले त्यो सिद्धाउनुहोस् भनेर अनुरोध गरेको छ। उहाँहरूले एकदम आज हिजैदेखि तत्काल विकासपट काम सुरु गर्नुभएको छ। धेरैजसोले चाहिँ 28 सबै संसदमा फुल हाउसमा ल्याउनुहुन्छ। फुल हाउसमा ल्याइसकेपछि मलाई लाग्छ राष्ट्रिय सभा ले हामीलाई पेस गर्ने, हामीले फेरि राष्ट्रसभामा पेस गर्ने कुरामा प्राय जसो धेरै जसो एउटा चाहिँ के छ भने फेरि डिटेलमा जाँदैन, डिटेलमा त दुवै हाउसमा भइनै राख्छ यो भयो। त्यसले संक्षिप्त आफ्नो टिप्पणी केही छ भने टिप्पणी, नभए नो टिप्पणी गरेर नो कमेन्ट गरेर पठाइदिन्छ। त्यसो हो भने 2-3 चाहिँ सिद्धिन्छ। तर मौलिक हकसँग सम्बन्धित कानुन पनि हाम्रो चाहिँ सम्भवतः हामी चाहिँ हाम्रो यो जुन हप्ता छ त्यो हिसाबले 2 सबै सिद्धिन्छ। अपना मौलिक हक अन्तर्गत आवश्यक परवला विधेयक पास करबाक लेल सहयोग करब प्रमुख दलक शीर्ष नेता सबके आग्रह कयने अनुसार प्रधानमन्त्री निवासमे प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, नेकपाक अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल आ नेपाली कंग्रेसक सभापति शेरबहादुर देवाबीच परामर्श आ सहमति सेहो भेलासँ विधेयक सहमतिके साथ पेश हेबाक ओ विश्वास व्यक्त कयने छलनि। सजिया सहमति होबय नै सकल विषयमे सरकार बादमे संशोधन प्रस्ताव सेहो आइन सकबाक हुनक कहब छलनि। अरू विषयलाई बरु पछि गरेर भए पनि मौलिक हकका विषयमा तदारुकका साथ सबै सांसदहरूलाई छलफलमा भाग लिने र बाहित गर्न सहयोग गर्ने भनिदिनु पर्यो उहाँले, त्यो उहाँहरूले आज भनिदिनु। त्यस कारणले यो मौलिक हकसँग सम्बन्धित कुरालाई उहाँहरूले
राम्रो सबै फेरि सहमतिका साथ जाने भन्ने स्पिडमा छ। हाम्रो संवैधानिक आवश्यकता भनेको दुई गतेभन्दा अगाडि पास गर्ने छ र दुई गतेभन्दा अगाडि पास गर्दा केही छुट्न सक्छ। उहाँले भने जस्तै केही विषयवस्तु गम्भीर खालका मतभेदहरू हल नहुन सक्छ। त्यहाँदेखि अहिले हाम्रो स्पिड कस्तो छ भने अहिले जो साझा सहमति हुन्छ हामी पास गर्छौँ, फेरि संशोधन आउन सक्छ, संशोधन गर्न पनि सकिन्छ, सरकारले संशोधन गर्न पनि सक्छ। चिना केन्द्रीय सरकार आस लहासा स्वायत्त सरकार संयुक्त रूप में आयोजना कर लागल चारिम टूरिज्म एंड कल्चरल एक्सपो में सहभागी होब स्वयं शुक्र दिन चीन प्रस्थान कर लागल जानकारी देतो। अपन चीन भ्रमण से विधेयक निर्माण प्रक्रिया में सब नहीं दावी कलन चीन में होबला मेला में सभामुख महराक नेतृत्व में सहभागी होब सांसद लोकन शांति माया तमांग रंगवती शाही उमाशंकर अरगरिया दुर्गा पौडेल 10 सदस्यीय टोली शुक्र दिन भिनसर वैदिश जा रहा है। उपभोक्ता हित संरक्षण मंच नेपाल उपभोक्ता संरक्षण संबंधी कानून के संशोधन एकीकरण करब बनल विधेयक ऊपर विरोध जनौलक। उपभोक्ता हित संरक्षण मंच नेपालक अध्यक्ष ज्योति बनिया उपभोक्ता के समस्या दैत सरकार उपभोक्ता संरक्षण संबंधी कानून के संशोधन एकीकरण करब बनल विधेयक तैयार कने कहित विरोध जनौलन। प्रतिनिधि सभा उद्योग तथा वाणिज्य आ श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति के उसका बैसार में वही विधेयक ऊपर के परामर्श में सहभागी हुए तो विधेयक उपभोक्तावादी संघ संस्था के सरकार चाहला पर काला सूची में राख सकबाक धर के प्रावधान रखने कहित आक्रोश व्यक्त कलन। अध्यक्ष बानिया विधेयक उपभोक्ता के हित में नहीं भेला से वही में आवश्यक सावधानी अपना कर संशोधन कर सेहो समितिक सदस्य सबके आग्रह कलन। विधेयक में लिखल गेल उपभोक्तावादी सामाजिक संघ संस्था के सरकार के सूची में राख सकबाक दोषी प्रमाणित भेला पर कारावासक सजाए धर क सकबाक प्रावधान हटाओल जवाब चाहे मंच के मांग है। उसको दास नभएसम्म त के हो भने उपबोध संस्था उसको विरोध गर्न पाउने भयो। त्यस मतलब उसको उसको विरोध गर्ने बित्तिकै त कालो सूची नै परिने भयो, 3 वर्षसम्म है जरिमान पनि गर्नु भयो, के गर्ने भयो जब उसँग कुनै लिङ्ग हुँदैन। जस्तो हामीसँग कुरा गर्नु उपबोधाई संरक्षण मञ्च नेपालभरि 17 जिल्लामा के छ यसको नेटवर्क छ। अब के छ भने सबै साथीहरूले काम गरिरहनु भएको छ, त्यहाँको जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँग त्यहाँको सम्बन्धित भएको छ। अब उसलाई जन्चल्यो भने उहाँ विभागले चाहिँ है कालो सूचीमा राखिदिए त भन्ने स्थिति पर्छ। यस्तो दुनियाँमा अट न सोचो सुनवाईको मौका छ न केही छ न के सुनवाईको मौकासँग राखेर गर्ने के गर्ने कसो गर्ने भन्ने पनि छैन। चाह्यो चाहेमा गर्न सक्ने भन्ने लाग्छ। यस्तो दुनियाँमा अटोक्रेटिक पनि हुनसक्छ। उसलाई के लाग्यो भने आफ्नो दास बनाउनलाई त्यो अब त्यहाँ उसको विरुद्ध कुरा गऱ्यो भने दासको यो त दासगिरी चाहिँ यहाँबाट सुरु हो। हामी त के हो भने यो राजशाही लोकशाही चाहिँ के अरे को हटायो भनेको त यहाँ अर्को विधेयकबाट पनि त्यस्तो आउनु थाल्यो। उपबोध संस्थाको जम्मैको तालाबन्दी गरेर हिँड्नु पर्ने उसको उसलाई बनाउन सकिएन भने त हाम्रो त राजा उयो हुने स्थिति। त्यस हुनाले यसलाई पनि विचार गर्नुपर्ने अवस्था छ भने यो उपबोधसँग सम्बन्धित कानुन लेखा छ। नेपाल उद्योग परिसंघक अध्यक्ष हरि भक्त शर्मा सेहो विधेयक उद्योगी सबके नियन्त्रण करबाक व्यवस्था कने कहित प्रावधान हटाव समितिक ध्यान आकर्षण करौने छलनि। ओ उद्योगी सबके नियन्त्रण में रखबाक कानून व्यवस्था कयल गेला पर देश के उद्योग आगा बढ़ नहीं सकबाक दिस सरकार के ध्यान आकर्षण करौने छलनि। विधेयक में उपभोक्ता के ठक रहल भेटला पर ओहन उद्योगी के कारावासक सजाए देबाक व्यवस्था कयल गेल छ। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मंत्री मातृका यादव विदेशी लगानी के मुनाफा के गारंटी सरकार लेबाक घोषणा कयने। मंत्री यादव सरकार विदेशी लगानी आना लगानीकर्ता सबक पाई के उचित सुरक्षा कर हर संभव प्रयास कर रहा दावी समेत कयने। नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज सेजन काठमांडू में आयोजना कने वैदेशिक लगानी संबंधी कार्यक्रम में हो वैदेशिक लगानी अनबाक विषय में सरकार के आवश्यक सुझाव देव निजी क्षेत्र के उद्योगी व्यवसायी बुद्धिजीवी आ संचारकर्मी सबके आग्रह कलन। लगानी के निहार के नाफा हेबाक विश्वास सरकार दिएबाक मंत्री यादव के कथन छलन। के लागू गर्नुछ हाम्रो हितमा के हुन्छ तर यहाँ त फेरि दोहोरो हितको कुरा मात्रै पनि हो। यहाँ लगानी जब आउँछ हाम्रो हित मात्रै भएर त हुँदैन, संकीर्ण राष्ट्रवादले हुँदैन, त्यो मण्डले राष्ट्रवादले काम चल्दैन। मण्डले राष्ट्रवादले चाहिँ केही मान्छेहरूको स्वार्थलाई मात्रै चाहिँ हेर्ने, देशको हित नहेर्ने। जब लगानी हुन्छ त्यहाँ नाफा हो, जसले लगानी गर्न आउँछ नाफा लिन्छ, नत्र लगानी गर्दै गर्दैन। उसलाई चाहिँ त्यो विश्वास हामीले दिलाउन सक्नुपर्छ कि तपाईँलाई त्यहाँ नाफा हुन्छ,
आउनुस् लगानी गर्नुस् र त्यो नाफाको हामी सुरक्षा गर्छौँ। दुईटै कुरा हामीले चाहिँ त्यो ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने, सरकारले त्यो गर्नुपर्ने। अहिलेको सरकार त्यो तयार छ, हामी तयार छौँ, कोसिस हामी गरिरहेका छौँ। वैदेशिक लगानी बाघ प्रयास रहलोपर सरकारक आलोचना संचार माध्यम से होते आयल उपराग व्यक्त कने छे। प्रतिनिधि सभा विकास तथा प्रविधि समिति आवासक अधिकार संबंध में व्यवस्था कर बनल विधेयक अध्ययन कर सात सदस्य रहल उप समिति गठन कलक। सिंह दरबार में बैसल समिति के बैसार ई विधेयक पर अध्ययन क आवश्यक सुझाव देव अनिल कुमार झा, आशा कुमारी विश्वकर्मा, केदार सिखदेल, दुर्गा पौडेल, राजेन्द्र प्रसाद लिंगदेन, मीनाक्षी झा आ हरिनारायण रौनियार रहल सात सदस्य उप समिति गठन कलक। उप समिति अध्ययन क तैयार कने सुझाव के आधार में आवासक अधिकार संबंध में व्यवस्था कर बनल विधेयक परिमार्जन के प्रतिनिधि सभा में भेज लागल। समिति के ज्येष्ठ सदस्य जीप छिरिंगलामा जानकारी दिलन। विसार में समिति के सदस्य सब नागरिक के आवास पैबाक अधिकार सुनिश्चित क कानूनी व्यवस्था कर विधेयक में आवश्यक संशोधन कैल जेबाक चाहिए प्रस्ताव रखने। समिति के दोसर सदस्य कृष्ण भक्त पोखरेल सब नागरिक के आवासक व्यवस्था करैत कानूनी व्यवस्था कर विधेयक में आवश्यक परिमार्जन कैल जेबाक चाहिए धारणा रखने। वो आवास पैबाक अधिकार के कटौती नहीं करैत सरकार विधेयक अनने से हो धारणा रखने। विधेयक में आवास विहीन नागरिक के आवासक सुनिश्चित कर विशेष कानून व्यवस्था कैल जेबाक लिखल गेल। सरकार वातावरण संरक्षण के लिए अलगे विधेयक अनबाक तैयारी कलक। वन तथा वातावरण मंत्री शक्ति बहादुर बस्नेत देशक एखुनका चुनौती के सामना कर वातावरण संरक्षण के लिए अलगे विधेयक अनबाक तैयारी भर जानकारी दिलन। ललितपुर में खाने पानी सरसफाई संबंधी कार्यक्रम में ओ पिय वाला पानी के उचित व्यवस्थापन के लिए एकीकृत कानून निर्माण कैल जेबाक चाहिए आवश्यकता रहल बतौलन। मंत्री बस्नेत स्वच्छ वातावरण आ शुद्ध पिय वाला पानी उपयोग करबाक नागरिक के संवैधानिक अधिकार के प्रत्याभूति दियाब सरकार विद्यमान एन कानून में संशोधन करैत जेबाक समेत योजना रहल सुनौने छलन। अहिले नयाँ तर्जुमा चाहिँ आवश्यकता त महसुस गरिरहेको छौँ यो अहिलेको चेन्ज कन्टेक्स्ट सबै कुरालाई हेरेर, तर ओभरअलमा पनि हामी त्यसलाई चाहिँ चेन्ज गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गरिराखेका छौँ। तथापि हाम्रा केही सीमाहरू थिए असोज 3 गतिभित्रमा मौलिक हकको कार्यान्वयन सम्बन्धी व्यवस्था आवश्यक व्यवस्था हामीले गरिसक्नुपर्ने स्थितिले गर्दाखेरि र अहिले पार्लियामेन्टमा मौलिक हक सम्बन्धी सबै विधेयकहरू एकैसाथ प्रस्तुत गर्नुपर्ने आवश्यकताले अब सिँगै विधेयकमाथि अहिले अब छलफल गर्दा त्यहाँ अलिक प्रेसर बढी हुने भएपछि हामीले मौलिक हकसँग सम्बन्धित केही विषयहरूमा मात्र सीमित रहेर वातावरण संरक्षण ऐनलाई हामी संशोधनको निम्ति अहिले पार्लियामेन्टमा प्रस्तुत गरेका छौँ, पेस गरेका छौँ। त्यहाँ दुई तिनवटा कुरा, एउटा हामीले यो पल्ट्रस पे प्रिन्सिपललाई दृढतापूर्वक लागू गर्ने कुरा नै गरिएको छ त्यहाँ वातावरणको प्रस्तुतिबाट, त्यसलाई अनिवार्य रूपमा लागू गर्ने कुरा नै गरेका छौँ। अरू प्रिभेन्टिभ अब उपायहरू के हुन सक्छन्, मन्त्री बस्नेत पियवाला पानीको उचित व्यवस्था गरेर स्थानीय तहके सेहो ध्यान आकर्षण गराउने छलन। व्यवस्था बदलै त मानसिकता नै बदल, मुख्यमन्त्री राउतको उपराग, प्रदेश सरकारक निर्णय सिरियो नै मान रहल कहित आक्रोश। बर्दियामे हिरासतमे राम मनोहर यादवके मृत्यु भेल घटनाक जाँच गर सांसद सभक माग, रेशम चौधरीके शपथ ग्रहण कराब दबाव। विद्यालय कर्मचारी संयुक्त आंदोलन परिचालन समिति से आंदोलन के घोषणा, सरकार उचित सुविधा नहीं देने उपराग। धनुषा में हथियार सहित एक गोटे पकड़ायल, एक पिस्तौल बरामद। आ मौलिक हक अंतर्गत के सब विधेयक आसीन 2 गते भित्रे संसद से पास भजेबाक सभामुख महारा के दावी। अपन न्यूज एखन के लिए एतबे, पल पल खबर तेज नजर अपन टीवी देखते रह, नमस्कार।